हाय फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माही मम्मा मम्मा। वेरी गुड। से हाय टू एवरीवन। हाय हाय दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ दूध का पेड़ा। मीन्स दूध को हम लोग बॉईल करेंगे और उसको खोआ बनाएंगे, और खोए के बाद हम उसका पेड़ा बनाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है। और होममेड है तो कुछ उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना, अभी कोरोना के वजह से हम लोग बाहर नहीं जा सकते, मतलब बाहर का कुछ लाना ऐसे सेफ नहीं लगता, क्योंकि छोटा बच्चा है घर में। और हम लाएंगे, हम खाएंगे, वो भी खाएगा। दैट्स वाई हम अगर कुछ मीठा खाने का मन करता है तो हम लोग उसे, मैं ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे घर में बनाने के लिए, जैसे कि केक हुआ, रवा केक और पेड़ा हुआ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पेड़ा। तो कैसे मैं बना रही हूँ मैं आपको भी बताती हूँ। अगर आपको मेरा मेरी डिश अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं ड्राई फ्रूट्स पाउडर पेड़े में इसलिए ग्राइंड किया हुआ डाल रही हूँ क्योंकि माही को खाना है। अगर बड़े बड़े पीसेस आएंगे तो मैं भी वो स्टक हो जाए उसके थ्रोट में, तो इसलिए मैं उसका पाउडर उसमें डाल रही हूँ। दोस्तों, ये मैंने अभी इसको दूसरे पैन में ट्रांसफ़र कर दिया, और दूसरे पैन में मैंने थोड़ा सा घी डाला, और घी गर्म होने के बाद मैंने वो सारा मिल्क का जो पेस्ट है, एक्चुअली गाढ़ा हो गया है, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करने के पहले मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स पाउडर डाला और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला, और शुगर तो मैंने पहले स्टार्टिंग में डाल दिया। अब इसको थोड़ा और गाढ़ा करेंगे हम कंटिन्यू चलाते चलाते। एक्चुअली माही अभी सो गया है तो मैं फटाफट इसको कर सकती हूँ, क्योंकि माही जब जागता रहता तो मैं कंटिन्यू एक काम नहीं कर सकती। दूध का थिकनेस ऑलमोस्ट हो गया है तो अभी मैं इसको गैस ऑफ कर, थोड़ा सा और करने के बाद गैस ऑफ कर दूंगी। ये जो पेड़ा मैं बना रही हूँ ये माही को बहुत पसंद है, बहुत, मतलब कि एक्चुअली ज़्यादा स्वीट भी नहीं रहता और होममेड है तो मुझे कुछ ऐसा देने के लिए उसको प्रॉब्लम नहीं लगता। नहीं तो मैं बाहर का कुछ भी लेकर आती हूँ और माही के लिए स्वीट चीज़ें भी खाने लगा है, तो अगर वो खाता है तो मुझे अंदर से एक डर लगा रहता है, अरे बाहर की चीज़ है, इतना मीठा खा रहा है, कैसा होगा, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो, लाइक दैट। तो लेकिन अगर मैं घर में बनाती हूँ तो मुझे ऐसे इतना प्रॉब्लम, मतलब होता है मीठा देने के बाद बच्चों को लगता है कि ज़्यादा मीठा ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो, लेकिन इतना नहीं लगता मुझे। तो ये स्पेशली मैं माही के लिए बना रही हूँ। दोस्तों, मैंने गैस ऑफ कर लिया, इसको नीचे उतार लिया। अब मैं इसको एक बाउल में, मैंने थोड़ा सा गर्म नॉर्मल पानी लिया है और उसको हाथ में लगा के, हाथ को अच्छे से, हाथ में गर्म पानी लगा है, इसको गर्म गर्म ही हमें राउंड राउंड शेप देना है।